तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी कि आप यहाँ पे मीट डायलर सक्सेसफुली किसी भी Xiaomi के डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको जब आप कॉलिंग के समय यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम मीट डायलर जैसा UI हम सभी को देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे इस वाले वर्जन में कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कुछ इशूज़ हमें देखने के लिए मिल रहे थे, तो उन इशूज़ को यहाँ पे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं और इसी के साथ यहाँ पे आप सभी को क्या क्या चेंजेस उस वाले वर्ज़न में, जो कि यहाँ पे एक न्यू वर्ज़न रिलीज़ हो चुका है, क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। तो आप जब यहाँ पे ऐप इन्फो में जाते हैं तो ऐप इन्फो में जब आप पुराने वाले वर्जन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा विद नो एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पे मैंने एक नया वर्ज़न इंस्टॉल किया है जिसका वर्ज़न 0.97 प्ले शोर विद एक्सेसिबिलिटी देखने के लिए मिल जाता है। तो इसका मतलब कि आप इस वाले वर्ज़न में एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स को सक्सेसफुली अनेबल कर सकते हैं और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स को अनेबल करने के बाद आपको सिंपली रिकॉर्डिंग्स के सेक्शन में आना है और रिकॉर्डिंग्स के सेक्शन में आने के बाद आपको सिंपली 3 डॉट्स पर एक बार यहां से क्लिक करना है और यहां से क्लिक करने के बाद आपको यहां से रिकॉर्डिंग की हेल्प भी देखने के लिए मिल जाएगी। और आप जब यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर देखने के लिए मिल जाएगा कि आप यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग को अनेबल करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। और इसी के साथ जब आप स्क्रॉल डाउन जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन जाने पे आपको यहाँ पे ऑडियो एनकोडर देखने के लिए मिलेगा, तो आप यहां से मीडिया कोडेक को सिलेक्ट करके देख सकते हैं मीडिया कोडेक और मीडिया रिकॉर्डर, क्योंकि यहां पे डिफ़ॉल्ट वाले सेक्शन में कॉल रिकॉर्डिंग कुछ डिवाइसेस में यहां पे वर्क नहीं कर रही। तो आप यहां से ऑडियो एनकोडर की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और आप यहां से रिकॉर्डिंग की क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं कि आपको क्वालिटी कैसी रखनी है, आपको यहां पे हाई रखनी है, आपको यहां पे एक्सट्रीम रखनी है। तो आप अपने हिसाब से इन सेटिंग्स को भी यहां से ट्राई कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको यहां पे इंक्रीज़ इन कॉल वॉल्यूम, टर्न डाउन लाउड स्पीकर, ऑटो डिलीट, ये सब भी देखने के लिए मिलता है। और आप यहां से रिकॉर्डिंग की लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं, सिंपली आपको यहां से कस्टम पे चेंज करना है। तो कस्टम पे चेंज करने के बाद आप यहां से किसी भी फोल्डर में जा कर के अपनी रिकॉर्डिंग की लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको कमेंट पे बस ये बताना है कि आपके डिवाइस में कॉल रिकॉर्डिंग वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और अगर कॉल रिकॉर्डिंग यहां पे वर्क नहीं भी कर रही है तब भी आपको यहाँ पे एक बेनिफिट तो देखने के लिए मिलता है कि आपको कम से कम गूगल डायलर के UI से अच्छा यहाँ पे मी डायलर जैसा UI कम से कम आपको देखने के लिए मिल चुका है। और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ भी देखने के लिए मिल जाती है। तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि आप मी डायलर के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं हैं। और अगर आपको ऑफिशियली मी डायलर ही चाहिए तो आप रीनेम ट्रिक 2.0 के थ्रू इंडोनेशिया रोम को फ्लैश कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मी डायलर ज़रूर से देखने के लिए मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि उसके क्या क्या एडवांटेजेस क्या क्या डिसएडवांटेजेस देखने के लिए मिलते हैं, तो सभी को चेकआउट करने के बाद ही रोम को फ्लैश करना। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें मेरा टेलीग्राम चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।